हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 14 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 MCQs को। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। डैश इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर इनेबलिंग इफेक्टिव एजुकेशन अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया ऑन रोबोटिक्स, यानी कि रोबोटिक्स पर भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने के लिए कौन सी परियोजना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो प्रोजेक्ट है ऑप्शन सी, ई यंत्र, और इसका बेनिफिट जो है 275 से ज़्यादा कॉलेजेस को होगा। और इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ई यंत्र किससे एसोसिएटेड है, रोबोटिक्स से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इनटू रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 लॉन्च्ड विच स्कीम विच ऑफर्स डायरेक्ट एडमिशन्स टू सच स्टूडेंट्स इन दी PhD प्रोग्राम्स इन IITs IISER एंड IISC, यानी कि सराहनीय छात्रों को शोध में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में कौन सी योजना शुरू की जो ऐसे छात्रों को IIT IISER और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में PhD कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश प्रदान करती है। इनमें से वो स्कीम है ऑप्शन डी, PMRF, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, जो अट्रैक्ट करती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को किस में, रिसर्च में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जो ऑफर करती है डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट्स को PhD प्रोग्राम्स में, कहाँ पर, IITs में, IISERs में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। कौन सी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, इन शॉर्ट PMRF। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2009 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग 80% लिटरेसी लेवल एट द नेशनल लेवल बाय फोकसिंग ऑन अडल्ट वुमेन लिटरेसी, यानी कि डैश को 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वयस्क महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके। इनमें से ऑप्शन डी, साक्षर भारत को 2009 में तैयार किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीव करना 80% लिटरेसी लेवल नेशनल लेवल पर, जहां पर फोकस किया गया था अडल्ट वुमेन लिटरेसी पर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी थी। कौन सी, साक्षर भारत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डैश इज अ स्कीम टू प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी कि बहुविषयक और अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है। इनमें से वो योजना है, वो स्कीम है ऑप्शन बी, स्ट्राइड। स्ट्राइड स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, आपको बताना है डैश इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2013 दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि डैश अक्टूबर 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। वो स्कीम थी ऑप्शन सी, RUSA, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या था, प्रोवाइड करना स्ट्रेटजिक फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रेड्स 1st to 12th एंड वॉज लॉन्च्ड इन सेप्टेम्बर 2017। यानी कि डैश सभी राज्य और केंद्र सरकार के लिए ग्रेड 1 से 12 के लिए उपलब्ध स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंच है और इसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। वो नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए जो अवेलेबल है सभी स्टेट्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए 1st से 12th ग्रेड्स के लिए, जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2017 में। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन डी दीक्षा, और दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जहां पर एज अ पार्ट ऑफ पीएम ई विद्या अनाउंस किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के दीक्षा प्लेटफॉर्म को, जो इंडिया में स्कूल एजुकेशन के लिए था। और दीक्षा क्या है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, इन शॉर्ट MHRD द्वारा 2017 में। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स को अपॉर्चुनिटी देता है वो लर्न कर सके और ट्रेन कर सके खुद को, और साथ ही साथ कनेक्ट कर सके टीचर कम्युनिटी के साथ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट स्पेसिफिकली डिजाइंड टू सर्व द एजुकेशनल सेक्टर। यानी कि डैश पहला भारतीय उपग्रह है जो विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया है। इनमें से वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जिसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था एजुकेशनल सेक्टर के लिए। ऑप्शन ए GSAT-3, जिसे एचूसेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को, किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन शॉर्ट इसरो द्वारा। और एचूसेट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो बनाया गया था सर्व करने के लिए एजुकेशनल सेक्टर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम IITs? यानी कि IIT से सीखने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कौन करता है? इनमें से वो करता है ऑप्शन सी NPTEL। NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, जो कि की प्रोजेक्ट है किसका? MHRD का, जिसे शुरू किया गया है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स द्वारा। और वो 7 IITs कौन कौन सी है? IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। और साथ ही साथ किसके साथ शुरू किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा। कब? 2003 में। और इसका एम क्या था? प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशन जो भी इंटरेस्टेड है सीखने में, कहाँ से? IIT से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5-year विजन प्लान टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 2019 to 2024? यानी कि इनमें से कौन सा अगले 5 वर्षों यानी कि 2019 से 2024 तक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए एक पंचवर्षीय दृष्टि योजना है? इनमें से वो 5-year विजन प्लान है ऑप्शन डी इक्विप। इक्विप स्टैंड्स फॉर एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये 5-year विजन प्लान यानी कि 2019 से 2024 के लिए हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए है। इसके अलावा ये डबल करेगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3 Mile आइलैंड क्या है? थ्री माइल आइलैंड इनमें से है ऑप्शन सी इट वॉज द साइट ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। यानी कि
यह एक परमाणु दुर्घटना का स्थल था। कौन सा? थ्री माइल आइलैंड। थ्री माइल आइलैंड ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में है और ये यूनाइटेड स्टेट्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हिस्ट्री में मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट है, जो कब हुआ था? 28 मार्च 1979 को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।